आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीडी दिल्ली में 15 साल के भाजपा कुशासन को उखाड़ फेंकने में आप सफल हुई है। ये दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी के कार्य और वादों को पूरा करने के राजनीति पर मुहर है। कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि एक छोटी सी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। गुजरात ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, इसके लिए गुजरात के लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। उन्होंने कहा बीजेपी के अभेदय किला माना जाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ माना जाता रहा है। कोमल हुपेंडी ने अंत में कहा कि प्रदेश प्रभारी संजीव झा के मार्गदर्शन और रणनीति निर्देशानुसार भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और नशा और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है, युद्ध स्तर पर कर रही है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है, जो प्रदेशवासियों के लिए प्यार और निरंतर सहयोग से एक ईमानदार सरकार बना कर ही दम लेगी और पत्रकार साथियों और मीडिया के सहयोग से जन जन तक पहुंचेगी। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या कौन कौन से मुद्दे हैं और जो देश भर के चुनाव हुए हैं उनको लेकर आप क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पहले बनी और बहुत तेजी से इस देश में यदि राष्ट्रीय पार्टी के पायदान पे पहुंची है तो आम आदमी पार्टी है। आज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, प्रदेश प्रभारी जी की तरफ से, पूरे देशवासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार केंद्र में और प्रदेशों में रही है। एक बेहतर विकल्प देश के सामने आज खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी बन चुकी है। एक ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है, उसका रास्ता जो है अब खुल चुका है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक कामना करूंगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की दिशा में हम सब अग्रसर हों और मिलकर छत्तीसगढ़ को बदलेंगे। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ईमानदार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट